हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ करने जा रहे हैं रोमन नंबर्स 11 to 30। 11 to 30 करना बहुत ही इजी है। अगर आपने 1 to 10 किया है तो 11 to 30 करना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। 11 to 30 करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इस पैटर्न को देखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 11 = 10+1, 11 = 10+1, इसका मतलब है कि 10 में 8 प्लस कर देंगे तो हमारा 11 आएगा। अब उसको रोमन नंबर में हम किस तरह लिखेंगे, कल हमने सिंबल किए थे 10 = x और 1 = i, 10+1 = 11। तो रोमन नंबर्स में हम प्लस नहीं करते, कोई सिंगल नंबर नहीं आएगा कि 11 के लिए कुछ और नंबर रखेंगे। हम क्या करेंगे, हमने रोमन नंबर्स को +1, +2, +3, +4 कर लिखना है। 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 3 प्लस किया तो 13, x वही रहेगा जैसे यहाँ 10 है ना, ऐसे ही यहाँ सिंबल x है। और 1, 2, 3 हमने चेंज करना है, i1, ii2, iii3, iv4, v5। इसी तरह से हम और आगे करेंगे। अब यहाँ हमने देखा 20, तो 20 के लिए हमारा कोई भी सिंबल नहीं होगा, 20 के लिए हम रखेंगे डबल एक्स, इट मीन्स 10+10। अब हमने 21 करना है, 21 हम किस तरह करेंगे, 20 के लिए हमने यही यूज़ किया, 1 हम यहाँ से लेंगे 21। 22 हमने कैसे लिखा था, डबल आई, 23, 24, 25, 26, 20 के लिए डबल एक्स, 7, 28, 29। अब आता है 30 हम किस तरह लिखेंगे, 30 के लिए हमने यहाँ क्या देखिए सिंपल दिया है 10, 10, 10, इट मीन्स 10, 10, 10, 10, 10, 10 = 30। अब इसी तरह से आप 30 to 40 करेंगे, वो आप खुद करेंगे 30 to 40। बस मैं आपको इतना बता दूँ, 40 के लिए 4 बार x नहीं लिखना। आपको ये ध्यान रखना है कि रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। अब हम 40 के लिए क्या करेंगे, 40 के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, 50 - 10 = 40। अब हमारा 50 क्या है, 50 हमारा है L, L में से हमने माइनस करना है 10, 10 मीन्स x, 50 - 10। जब भी हम किसी सिंबल को माइनस करते हैं रोमन नंबर्स में, तो हम बिगर नंबर बाद में, स्मॉलर नंबर पहले। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने प्लस किया था, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर नंबर पहले, स्मॉलर नंबर बाद में। 10 हमारा बिगर नंबर है और i यानी 1 हमारा स्मॉलर नंबर है, तो प्लस करने में बिगर नंबर पहले आएगा और माइनस करने में बिगर नंबर बाद में आएगा। तो x l मीन्स 50 में से हमने 10 को निकाल दिया तो हमारे पास 40 बचे। 40 के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होगा, 40 के लिए हम x l करेंगे। अब 41 किस तरह लिखेंगे, 41 के लिए i, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इस तरह से हम 49 तक आएंगे। 9 के लिए हमने आई एक्स का यूज़ किया, लास्ट में हमारा आता है 50, तो 50 के लिए हमारा स्पेसिफिक सिंबल है L, ठीक। यहाँ भी मैंने आगे आपको इजी करने के लिए दिया है L X, L X मीन्स 50 + 10 मीन्स 50 + 20, 20 के लिए हमने डबल X लिया था, 50 + 30 के लिए हमने ट्रिपल X लिया था, 50 के लिए हमारा यही है 90 में हम 4 बार x नहीं लिखेंगे, 4 बार x
आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सिंबल हो, एक्स हो, एल हो, सी है या डी होगा, कोई भी रोमन सिंबल 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे। जब माइनस किया तो बिगर नंबर बाद में आया और स्मॉलर नंबर पहले, तो एक्स सी इज़ 19 और सी हमारा 100। थैंक यू गाइस।